दिल्ली में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे रहा था जी डोभाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों को किया दौरा अब तक 17 की मौत। हिंसा प्रभावित जाफराबाद मौजपुर करावल नगर में चांदबाग में लगाया गया कर्फ्यू जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से हटाए गए प्रदर्शनकारी 86 स्कूलों में परीक्षाएं रद्द। गृहमंत्री अमित शाह ने रद्द किया अपना त्रिवेंद्रम दौरा हिंसा पर कल की 3 बैठकें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हालात अभी भी तनावपूर्ण। दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित राजधानी लखनऊ में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात घंटा घर पर महिलाओं से शांति की अपील। दिल्ली हिंसा में शहीद रतन लाल को अंतिम विदाई गृह राज्य मंत्री समेत लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। 2 दिवसीय दौरा खत्म कर स्वदेश रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप सीए को बताया भारत का आंतरिक मामला पीएम मोदी की जमकर तारीफ। उन्नाव के निलंबित पूर्व डीएम देवेंद्र पांडे की बड़ी मुश्किलें भ्रष्टाचार मामले में सीएम योगी ने ईओडब्ल्यू जांच के दिए आदेश। सपा सांसद आदम खां को हाईकोर्ट से मिली राहत जौहर विश्वविद्यालय की बाउंड्री वॉल गिराने पर रोक हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश पर लगाई रोक। 1,000 करोड़ सजेगा राम मंदिर और परिसर राजस्थान के पत्थर से आएगी भव्यता 70 एकड़ में भव्य मंदिर परिसर से जाने की तैयारी। यूपी में नहीं रुक रही है हर्ष फायरिंग की घटनाएं संभल में हर्ष फायरिंग में गई दूल्हे के मामा की जान तो बदायूं में एक बच्चे की गोली लगने से मौत। रामपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर बस से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो हादसे में 5 की मौत 4 लोगों की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल घायल बदमाशों का इलाज जारी। लातूर के स्कूल में मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन भारी संख्या में छात्र रहे मौजूद छात्रों को दी गई एमपीएससी की जानकारी। लखीमपुर खीरी में सड़क किनारे मिले 3 शव वाहन की चपेट में आने से हुई मौत इलाके में मचा हड़कंप। इटावा की कंपनी बाग में फायरिंग जवंगों ने कैंटीन संचालक को पीटा कैंटीन संचालक गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में हिंसा के बाद हाई अलर्ट पुलिस ने निकाला पैदल मार्च आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो खैर नहीं। मेरठ में सनकी पति ने पत्नी और बच्ची को उतारा मौत के घाट इलाके में मचा हड़कंप पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। लखनऊ सड़कों पर मौत बंद कर दौड़ रहे अनफिट वाहन एआरटीओ चलाएगा मुहिम अनफिट वाहनों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। उत्तरकाशी के निम में कार्यशाला का आयोजन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की शिरकत कहा राज्य में एडवेंचर को मिलेगा बढ़ावा। हरिद्वार में छात्र संगठन का हल्ला बोल वनारक्षी परीक्षा रद्द करने का विरोध वन मंत्री से इस्तीफा देने की मांग। टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बीजेपी सरकार का फूका पुतला बढ़ती महंगाई का किया विरोध। मसूरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का शिकंजा प्राधिकरण ने रिहायशी भवन का किया सीज हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया सीज। रुड़की में पांव पसार रहा नशे का कारोबार कोर्ट के जरिए बेचा जा रहा नशा खतरे में युवाओं का भविष्य। रुद्रप्रयाग में मिनी स्विट्जरलैंड में पर्यटकों का तांता खूबसूरत पर्यटन स्थलों का दीदार कर रहे पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे लोग। टिहरी में जनता दरबार का आयोजन डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं अधिकारियों को दिए निर्देश।